तो अब हम कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से, कोल्ड कॉलिंग समझते हो, बच्चों में सभी बच्चों के नाम है, ठीक है, सभी बच्चों ने अपने नाम लिख के पर्चियों में रख दिए ना। अब मैं जिस किसी की भी पर्ची निकालूंगा उसको आंसर देना होगा। जो अभी तक हमने पढ़े हैं तीन तरह के सेंटेंसेस, कौन सा, पहला सिंपल इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था जिसमें हम ता ते ती वाले हमने वाक्य देखे कि मैं पढ़ता हूँ मैं खेलता हूँ, है ना। दूसरे पढ़े हमने मैं कर रहा हूँ, उसमें आई एन जी लग रहा था, आई एम डूइंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, ये वाले। और एक तरह के हमने पढ़े थे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंस हमने पढ़े थे। अब हम तीनों तरह के सेंटेंसेस का एक बार में अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को कितना याद है, कहीं आप भूल तो नहीं रहे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं प्रश्न करूंगा, पहला प्रश्न है मैं खेलता हूं जिस किसी, हाँ किसी को नहीं, यहां से हम पर्ची उठाएंगे, मैं खेलता हूं, सबने सोच लिया होगा आई थिंक, या पेन और पेपर का भी सहारा ले सकते हैं आप, लिख सकते हैं और पलटा के देख सकते हैं किस तरह का सेंटेंस मैंने बोला वो कैसे बनेगा। मैं खेलता हूं, क्या आप तैयार हैं, उठाएं पर्ची। तो ये मैंने उठाई है एक पर्ची सीता यादव नाम की, सीता यादव मैं खेलता हूं को क्या बोलेंगे, आई खेलना क्या बोलते हैं हम, कोई और बताएगा, चलिए कृष्ण कुमार बताएंगे, जोर से बोलेंगे, ठीक है सभी को सुनाई देना चाहिए, मैं खेलता हूं, स्टैंड अप, आई प्ले, मैं खेलता हूं, क्या ये सही है, जी सर, क्लैप फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, हम अगली पर्ची उठाते हैं, किसके नाम की आती है, राजकुमारी, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, चलिए बैठ बैठ जाइए, ताली बजा। हमने प्रश्न पूछा था मैं लिख सकती हूं, उसने जवाब दिया आई कैन राइट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है अदर्स कैन यू पॉज द वीडियो,